हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के कार्य में तेजी आ गई है। डीएम के निर्देश के बाद नरीमन चौराहे से काठ गोदाम तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेज से चल रहा है। इसके अलावा शहर के 13 चौराहों का भी चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे भवनों और दुकान स्वामियों को नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही पर्यटकों और जनता को परेशानी न हो इसके लिए रात में सड़क चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है। चौराहे चौड़ीकरण का कार्य पूरे हल्द्वानी पे शहर में चल रहा है। उसी के तहत नारीमन चौराहे से लेके रेलवे चौराहे तक का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो प्रारंभ किया जा चुका है मौके पे। जो सरकारी संपत्ति है इसके साथ ही जो निजी संपत्तियों के भी आंगन इत्यादि थे उनको हटा करके रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। जो परमानेंट स्ट्रक्चर हैं उनको नोटिस प्रेषित किए गए हैं और शीघ्र ही उनको भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कार्यालय, लोक निर्माण विभाग और PMGSY के भवन है। इसके साथ ही रोडवेज और KMVN के भवन और चार दीवारी भी वहाँ पे है। हल्द्वानी जिले के पुलिसकर्मियों का 3 नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रशिक्षण खत्म हो गया है। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को 4 चरणों में ये प्रशिक्षण दिया गया और 1 जुलाई से जिले से सभी पुलिस कार्रवाई नए कानूनों के तहत की जाएंगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 30 अप्रैल से पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए 5-5 दिवसीय कार्यशाला शुरू की गई थी। ये भारतीय संसद के द्वारा जो 3 नए कानून बनाए गए हैं उनका 1 जुलाई 2024 से क्रियान्वयन होना है, इम्प्लीमेंटेशन होना है। उसके लिए हमारे नैनीताल जनपद में 355 अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी गई है और ये नए कानून के में पढ़ाने के लिए हमारे APO साहब, हमारे सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह नेगी और उनका पूरी टीम थी। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत तन्मयता के साथ और बड़े जोश के साथ जो ट्रेनिंग आए हैं उनको अच्छे से पढ़ाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ट्रेनिंग यहाँ पर आए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने उस चीज़ को ग्रेस्प किया होगा, उस चीज़ को समझा होगा और जो इन नियमों में चेंजिंग हुई है, जो परिवर्तन हुए हैं उसको अच्छे से समझ लिया होगा और 1 जुलाई से जब ये नियम लागू होंगे, ये अधिनियम लागू होंगे तो जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना गैरसैंण में करने की मांग की है। गैरसैंण में जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में उच्च न्यायालय की स्थापना पौड़ी के नजदीक किए जाने की मांग को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन जिलाधिकारी गढ़वाल के माध्यम से शासन को प्रेषित किया। उत्तराखंड क्रांति दल के लोकसभा प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने शहर के कुछ लोगों के साथ इस आशय का ज्ञापन तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक ज्ञापन भेज रहे हैं और खास तौर पर पौड़ी को लेकर भेज रहे हैं कि पौड़ी जो कि उत्तराखंड आंदोलन की जननी है, जहां के लोगों के आंदोलन की वजह से उत्तराखंड पृथक राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन 24 सालों में पौड़ी को कोई बड़ा संस्थान नहीं दिया गया और अब जब बात हो रही है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट किया जाएगा, हमें चाहते हैं कि कुमाऊं मंडल के मुख्यालय नैनीताल, जहां पे पर्यटक बहुत भारी संख्या में आते हैं और वहां पे उस शहर पर दबाव है, लेकिन दूसरी ओर जो पौड़ी नगर है हमारा, जो कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, ना तो यहाँ पे पर्यटक आ रहा है ना यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव है, यहाँ पर अगर हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाता है तो इस शहर की जो रौनक उत्तर प्रदेश के जमाने में थी वो लौट आएगी और जो हमारा युवा है उसको यहाँ रोजगार भी मिलेगा। और ये ज्ञापन हमने प्रेषित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री धामी जब इस बारे में निर्णय लेंगे कि हाईकोर्ट को कहाँ शिफ्ट किया जाना है तो उसमें पौड़ी का ध्यान रखा जाएगा, पौड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड की मांग सबसे पहले पौड़ी से उठी है और पौड़ी के कारण ही उत्तराखंड अस्तित्व में आया है और यदि देखा जाए तो इन तमाम सरकारों ने पौड़ी की कहीं ना कहीं अनदेखी की है, कुछ भी संस्थान यहाँ पर पौड़ी पर नहीं दिए गए हैं और हमारी यही मांग है कि यदि अगर हाईकोर्ट का स्थानांतरित होता है तो एक पहाड़ी क्षेत्र से एक पहाड़ी दूसरे क्षेत्र पर ही होना चाहिए और हम पूर्ण रूप से जो पौड़ी की अनदेखी हुई है हम तो यही मांग करते हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद यदि सबसे ज्यादा अनदेखी किसी की हुई है तो मंडल मुख्यालय पौड़ी की अनदेखी हुई है। कोई भी हमारे पास संस्थान यहाँ पर नहीं दिए गए हैं और हमने DM साहब को यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित किया है कि यदि हाईकोर्ट पौड़ी क्षेत्र से स्थानांतरित होता है तो हमारी यही मांग थी कि यहाँ पर पौड़ी पर स्थानांतरित हाईकोर्ट हो और यदि इसके लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी तो हम इस क्षेत्र में पूरा लगे हुए हैं कि कहाँ उसकी जमीन हम मुहैया करवाएंगे। आपको ये अनुरोध पत्र या ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है तो उपरोक्त क्रम में जो मुझे प्राप्त हुआ UPID की तरफ से
ऑनरेबल सीएम सर के लिए अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड किया। पौड़ी गढ़वाल ऐतिहासिक खैरालिंग कोथिक के मौके पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्राम सभा सांगुड़ा के पवेथा खेल मैदान में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पुरी की ओर से किया गया। उद्घाटन मैच में सकनोली ने हुचुई को हराया। लीग आधार पर आयोजित हो रही क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में 16 ग्राम सभाओं ने एंट्री की है। क्षेत्रीय विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन से ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलता है। आज विकासखंड कलचिखाल के अंतर्गत बहुत पौराणिक और सिद्ध पीठ कहते हैं खैरालिंग मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव और शक्ति का एक साथ मंदिर है और पौराणिक मंदिर है, तो उसी भगवान के नाम से खैरालिंग महादेव क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से कलचिखाल विकासखंड के अंतर्गत ये प्रतियोगिता पहली बार शुरू की गई है और एक बड़ा मैदान वहाँ पर है जो पहले से बना हुआ है, उसका भी सदुपयोग करने के उद्देश्य से वहाँ के जो जागरूक लोग हैं अपने मंदिर समिति के लोग अनिल नेगी उसके अध्यक्ष हैं, संयोजक आदरणीय उनियाल जी हैं, त्रिभुवन उनियाल जी और अन्य वरिष्ठ लोग वहाँ क्षेत्र के वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और सारे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम क्षेत्र के इन वरिष्ठ लोगों ने किया है। मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ के बच्चे क्रिकेट के क्षेत्र में अपना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे, खेलेंगे और इसी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, भगवान खैरालिंग महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों को सद्बुद्धि दे और इनका भविष्य उज्जवल हो ताकि ये इस क्षेत्र का नाम और हमारे उत्तराखंड का नाम विदेशों तक, बाहरी क्षेत्रों तक हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।